जय श्री राम। मित्रों, माता लक्ष्मी की उत्पत्ति। मित्रों, दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए माता लक्ष्मी की ये सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छिपे रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा बताया गया है। इसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरी मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। उनके अन्य नाम श्री देवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभा प्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नाम प्रमुख हैं। माता लक्ष्मी का मुख्य त्योहार दीपावली है। वाहन उल्लू और हाथी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहती हैं। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को दो रूपों में देखा जाता है, श्री रूप और दूसरा लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी माता के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी दो प्रकार बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के दो रूप हैं, भूदेवी और श्री देवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्री देवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी हैं, जबकि श्री देवी चंचल हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है। वैसे देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती हैं। अष्ट लक्ष्मी माता लक्ष्मी के आठ विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के आठ रूप ये हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। धन की देवी। देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के चार हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और चार प्रकृतियों यानी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रीमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं। और माँ महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसका इनसे कोई संबंध नहीं। महर्षि भृगु को भी सप्त ऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे, इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के दो भाई दाता और विधाता थे।
एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए श्री राम और सीता जी के रूप में जन्म लेकर विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। पुराण अनुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार, लक्ष्मी जो बैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गौलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि रुक्मिणी जो गौलोक में निवास करती हैं, राज लक्ष्मी यानी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने यानी गोल्ड से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। लक्ष्मी विष्णु विवाह की कथा। कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माता लक्ष्मी की बड़ी सुंदर सी कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था, वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांग कर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फुल श्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे।
किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वालों पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेंगी। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम करेंगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचला है, अर्थात अस्थिर रहना उनकी प्रकृति है। इस दीपोत्सव पर कामना करें कि राष्ट्रीय एकता का स्वर्ण दीप युगों युगों तक अखंड बना रहे। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां सूक्त जापिनां। अर्थात लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने वाले की क्रोध मत्सर लोभ व अन्य अशुभ कर्मों में वृत्ति नहीं रहती, वे सत्कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। तो बोलिए जय लक्ष्मी माँ, जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जय माँ लक्ष्मी लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।